ओके सो हे एवरीवन, तो इस चैनल को जाना जाता है बिना फालतू की यूट्यूब को सब्सक्राइब मांगने की वजह सीधे काम के मुद्दे पे बात करती हुई। तो आज का मुद्दा जो है वो हम आपको 6100 जो कैमरा है वो उसकी जो सारी मेन्यू सेटिंग है जो सबसे बढ़िया होती है वो मैं करना सिखाऊंगा। तो अगर आपने न्यू 6100 कैमरा लिया है तो ये सेटिंग कर लो, सबसे बढ़िया काम आएगी। ओके तो यहाँ से जो मेन्यू बटन है उसको हम प्रेस करेंगे। ओके तो हमारी जो फर्स्ट सेटिंग है इसमें ऑप्शन मेन्यू वन में तो वो है फाइल फॉर्मेट। तो फाइल फॉर्मेट को आप रॉ रख लीजिए अगर आपको इसमें कलर ग्रेडिंग और एडिटिंग करनी है। आप अगर दोनों लेना चाहते हैं तो आप रॉ प्लस जेपैक दोनों शूट कर सकते हैं, बट इसमें थोड़ा टाइम लगता है। और जेपैक आप अगर चाहते हैं कि आपकी फ़ोटो आप अच्छे से मैनुअल मोड यूज़ करते हैं तो आप जेपैक रख लीजिए। जेपैक में आपको ज़्यादा एडिटिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मैं इसको रॉ पर रखता हूँ। फिर आप जेपैक क्वालिटी को जो भी है आप एक्स्ट्रा फाइन कर लीजिए, ठीक है। और इसके बाद जेपैक इमेज साइज पे आप L24 मेगापिक्सल कर लीजिए। उसके बाद एक्सपेक्ट रेशियो को आप 3.2 कर दीजिए, ठीक है। ये हो गई हमारी फर्स्ट मेन्यू। चलते हैं सेकंड मेन्यू पर। लॉन्ग एक्सपोजर NR को आप ऑन कर दीजिए। उसके बाद कलर स्पेस को आप sRGB कर दीजिए। लेंस कॉम्पैक्ट में आप देख सकते हैं शैडो कंपोजिट ऑटो और क्रोमेटिक एब्रेशन को ऑटो एंड डिस्टॉर्ज कॉम्प को ऑफ कर दीजिए आप। उसके बाद हम जाएंगे अगली मेन्यू पर जो कि है थर्ड, फर्स्ट पेज का थर्ड मेन्यू जो आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये हम अभी थर्ड मेन्यू पे हैं। उसके बाद आप ड्राई मोड को सिंगल कर दीजिए क्योंकि आपको सिंगल फ़ोटो खींचना है अभी, ठीक है। उसके बाद बास्केट सेटिंग को आप अभी छोड़ दीजिए। इंटरवल शूटिंग फंक्शन को आपको नहीं छेड़ना है। ओके थर्ड में आपको मेमोरी जो है ड्राइव शूट और मेमोरी रिकॉल का भी ऑप्शन मिल सकता है आपको काफ़ी सीरीज़ के कैमराज में। तो आपको यहाँ पर अभी कुछ काम नहीं है आपका। तो हम चलते हैं नेक्स्ट फिफ्थ में। तो फोकस मोड ये सब मैंने आपको शुरुआत में बता दिया था। तो फोकस मोड को आपको सिंगल शॉट ऑटो फोकस पर रखना है। फोकस एरिया को सेंटर पे, AF इमीटर ऑटो, उसके बाद AF शटर को ऑन। ओके फिर हम चलते हैं अपने छठवें पे। तो AF ऑटो क्लियर को आपको ऑफ रखना है। डिस्पैक काउंट फोकस एरिया को आपको ऑन रखना है। AF माइक्रो एडजस्टमेंट में आपको AF सेट को ऑफ रखना है। ओके तो यहाँ से हम बैक करते हैं। उसके बाद हम चलते हैं अपनी सातवें मेन्यू पर जो कि ISO। तो आप ISO जो है मैं अगर मेरे एक्सपीरियंस से पूछो तो आप ISO को सबसे कम रखिए क्योंकि उसमें जितना ज़्यादा आप ISO बढ़ाओगे उससे ग्रेन्स बढ़ जाते हैं। तो मैंने यहाँ ISO को 100 पे रखा हुआ है। आप चाहे तो ऑटो पे कर सकते हैं अगर आपका थोड़ा लॉन्ग आप अंधेरे में शूट कर रहे हैं। मीटरिंग मोड को आप सेंटर कर दीजिए। फेस प्रायोरिटी इन मल्टीपल सेट को ऑन कर दीजिए। एक्सपोजर स्टेप को 0.3 कर दीजिए और ARW शटर को ऑटो पे कर दीजिए। उसके बाद हम चलते हैं अगली मेन्यू पर जो कि है फ्लैश मोड। फ्लैश मोड में आप फ्लैश मोड को फ्लैश में कर दीजिए। फ्लैश कंपोजर 0.0 रखिए। आपको ना बढ़ाना है फ्लैश को ना कम करना है, ठीक है। आप EXP कंपोजर सेट को एम्बियंट एंड फ्लैश कर दीजिए। रेड आई डिस्ट्रक्शन को अभी ऑफ रखिए क्योंकि अगर आप नाइट में शूट कर रहे हैं तो ही इसको ऑन करिएगा रेड आई डिस्ट्रक्शन को। उसके बाद चलते हैं अगले मेन्यू में। इसमें वाइट बैलेंस को आप ऑटो कर दीजिए। प्रायोरिटी सेट इन EWP को स्टैंडर्ड। DRO ऑटो DRO को डी रेंज ऑप्टिमाइजर। क्रिएटिव स्टाइल को आप यहाँ से सेट कर सकते हैं बट स्टैंडर्ड विविड पोर्ट्रेट सनसेट। पोर्ट्रेट मोस्टली यूज़ होता है जब आप इसमें यूज़ करते हैं, आप किसी बंदे की फ़ोटो ले रहे हैं पोर्ट्रेट तो आपको पोर्ट्रेट इसमें यूज़ कर सकते हैं। मेरे को पर्सनली विविड ज़्यादा पसंद है। विविड की सेटिंग आप दे सकते हैं। मैंने कॉन्ट्रास्ट को 0+3 किया जिससे कलर बढ़ जाएँ। सैचुरेशन को मैंने +3 किया है और यहाँ पे शार्पनेस को +3 किया है। तो आप इन सबको बढ़ा दीजिए तो आपकी फ़ोटो जो है वो शार्प हो जाएगी और शार्प होने के साथ साथ बढ़िया एक कलर के साथ फ़ोटो मिलेगी। चलते हैं अगले में। फोकस मैग्नीफायर को आप यहाँ से देख सकते हैं। ओके तो फोकस मैग्नीफायर टाइम को आप 2 सेकेंड रख दीजिए। इनिशियल फोकस मेन्यू को X1.0, ठीक है। तो ये फास्ट ऑटो फोकस के लिए। मैनुअल फोकस असिस्ट को आप ऑन कर दीजिए। पीकिंग सेटिंग्स को आप पीकिंग डिस्प्ले ऑफ, पीकिंग लेवल मिड एंड पीके कलर वाइट, ठीक है। तो ये सेटिंग आपको यहाँ से कर लेनी है। चलते हैं बैक और हमारी लास्ट मेन्यू है फर्स्ट सेक्शन की जो है फेस रजिस्ट्रेशन। तो यहाँ से आप ये सब आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं बट ये सब मैं करने की वो नहीं दूंगा आपको। रजिस्ट फेस प्रायोरिटी को ऑन कर दीजिए। स्माइल शटर को आप तब ऑन करिए जब आप किसी ग्रुप में फ़ोटो ले रहे हैं
तो स्मार्ट शटर को ऑन करके जब आप कैमरा के सामने जाके स्माइल करेंगे तो फ़ोटो खिंच जाएगी। सेल्फ पोर्ट्रेट टाइमर को ऑन कर दीजिए तो आप जब खुद की फ़ोटो खींच रहे होंगे तो आप टाइमर यहाँ से लगा सकते हैं। सेकंड मेन्यू चलते हैं, यहाँ पे एक्सपोजर मोड अभी ऑन नहीं करा क्योंकि मैं अभी मैनुअल मोड पे हूँ, तो यहाँ से हम इसको वीडियो मूवी मोड पे करते हैं। और जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं मैनुअल एक्सपोजर में जा रहा हूँ, ओके। तो यहाँ से ये खुल चुका है, तो मैनुअल मोड में मैनुअल एक्सपोजर आपको यहाँ से सिलेक्ट करना होगा, ओके। मैं फिर से जा रहा हूँ अपना मैनुअल मोड में, ओके। तो यहाँ से फाइल फॉर्मेट को आप सबसे बढ़िया इसमें होती है XAVC 4K, ठीक है, तो इसको सिलेक्ट कर लीजिए। रिकॉर्डिंग सेटिंग्स को आप अपने हिसाब से रख सकते हैं, मैंने 25 फ्रेम 100 एम सुपर 35 को सिलेक्ट किया हुआ है, तो आप ये भी कर सकते हैं वीडियो के लिए। तो अगर आपको कोई रॉ फुटेज चाहिए तो आप इसको थोड़ा कम कर सकते हैं फ्रेम, अगर आपके फ्रेम मैटर नहीं कर रहे इतना। तो रिकॉर्डिंग सेटिंग में आप 25 फ्रेम पर सेकेंड और फ्रेम रेट 12 रख सकते हैं, यही सबसे बेस्ट सेटिंग है इसके लिए, ओके। ओके, तो प्रॉक्सी रिकॉर्डिंग को आप ऑफ कर दीजिए क्योंकि प्रॉक्सी रिकॉर्डिंग कोई काम की नहीं होती है, इसे एक कॉपी बनाता रहता है इसकी। तो AF ड्राइव स्पीड को ऑफ, नॉर्मल AF ट्रैकिंग सेंसर को स्टैंडर्ड, ऑटो शटर को ऑफ, इनिशियल फोकस मैगजीन 0x1.0, ऑटो रिकॉर्डिंग को ऑन। नेक्स्ट मेन्यू पे चलते हैं, रिकॉर्डिंग लेवल डिस्प्ले ऑन, विंड नॉइज डिटेक्शन अभी ऑफ कर दीजिए, बाहर शूट कर रहे हो तब ऑन करना। मार्कर डिस्प्ले को ऑफ, मार्कर सेटिंग को आप यहाँ पे सबको ऑफ करना है आपको, ठीक है। मूवी वर्सेस शटर ऑन कर दीजिए, साइलेंट शूटिंग अभी ऑफ रखिए, अगर आप कोई चर्च वगैरह मंदिर वगैरह में तो साइलेंट शूटिंग आप ऑन कर सकते हैं जहाँ पे खिच की आवाज़ ना आए। ई फ्रंट कर्टेन शटर को ऑन कर लीजिए, रिलीज WO लेंस को इनेबल, रिलीज WO कार्ड को इनेबल, एंड स्टडी शॉट अभी आपका ऑफ रहेगा। तो अगले मेन्यू जूम में अभी हमारी कोई सेटिंग नहीं खुल रही है। DSP बटन, यहाँ से आप मॉनिटर या फाइंडर को कर सकते हैं, ठीक है, आपको किस में देखना है। फाइंडर एंड मॉनिटर जो है आप ऑटो पे रख सकते हैं, तो अगर आप व्यू फाइंडर में आँख लगाएंगे तो ये आपका मेन मॉनिटर बंद हो जाएगा। अगर आपको सिर्फ व्यू फाइंडर यूज़ करना है तो आप व्यू फाइंडर पे कर सकते हैं, मॉनिटर पे करना है मॉनिटर पे कर सकते हैं। ज़ेब्रा सेटिंग सबसे बढ़िया होती है, इसको आप ऑन तब कर लीजिए जब आप वीडियो में आपको लगे कि किसी पार्ट में आपकी लाइट जो है बहुत ज़्यादा आ रही है और वो ओवर एक्सपोज हो रहा है, तो आप ज़ेब्रा सेटिंग को ऑन कर दीजिए, ज़ेब्रा डिस्प्ले को, और ज़ेब्रा लेवल को 100 कर दीजिए, तो आपको जहाँ पे भी ज़्यादा लाइट पड़ रही होगी वो अपने आप कैमरा आपको शो करने लगेगा। तो ग्रिड लाइन को ऑफ कर दीजिए अभी क्योंकि हम अभी मूवी शूट नहीं कर रहे हैं। ग्रिड लाइन का मतलब वही होता है जब पिक्चर में आपको ऐसी ऐसी पूरी लाइन दिखती है ना, ब्लैक ब्लैक कलर की, जो मूवी का फील देती है वही है। एक्सपोजर सेटिंग गाइड को ऑन कर लीजिए, लाइव व्यू डिस्प्ले को सेटिंग इफेक्ट ऑन कर लीजिए, ऑटो रिव्यू 2 सेकंड, ये सब कस्टम कीज़ के लिए हैं। यहाँ पे जो आपको कस्टम कीज़ मिलती हैं ना, ये C2 और जो हमारी कैमरा के ऊपर जो है एक ये C1 मिलती है, तो ये उनके लिए है कस्टम कीज़ के लिए। तो फंक्शन मेन्यू शैट के लिए मैं अलग से डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा क्योंकि ये फंक्शन का बटन जो है वो यहाँ पे मिलता है, तो इसमें आप अपनी इंपॉर्टेंट सेटिंग को रख सकते हैं, ठीक है। और ये डायल्स के लिए है, अगर आपको ये वाले डायल पे कोई शॉर्टकट लगाना है, ठीक है, ये आपको डायल दिख रहा होगा, ठीक है। आप चलते अगले पे, तो यहाँ पे फंक्शन टच ऑपरेशन को टच फोकस कर दीजिए, मूवी बटन को ऑलवेज, डायल व्हील को अनलॉक, एंड ऑटो साइन को ऑन, ओके। तो ये थी हमारी बाकी की सेटिंग, ओके। तो हमारी सेकेंड मेन्यू कम्प्लीट हो चुकी है, तो हम चलते हैं अपनी थर्ड मेन्यू की तरफ जो कि है नेटवर्क 1 मेन्यू। तो इसमें जो फर्स्ट ऑप्शन है सेंड टू स्मार्टफोन फंक्शन, तो यहाँ पे आप क्लिक कर सकते हैं और यहाँ पे सेंड टू स्मार्टफोन पर क्लिक कर सकते हैं, यहाँ पे आप सिलेक्ट ऑन स्मार्टफोन कर सकते हैं। और एच मोबाइल नाम से एक सोनी का एप्लीकेशन है, उसको आप डाउनलोड कर लीजिए और अपनी सारी फ़ोटो डायरेक्ट मोबाइल से आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ओके। तो यहाँ पे लोकेशन इन्फो ये सब आपके काम का नहीं है अभी, ठीक है। ब्लूटूथ रियल कंट्रोल है, डिवाइस नेम आप यहाँ से एडिट कर सकते हैं ताकि जब भी आप फ़ोटो खींचे तो उसमें आपका डिवाइस का नाम ये सब सेट हो जाए। कोई नेटवर्क इशू हो तो आप यहाँ से रीसेट नेटवर्क सेट भी कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से एरोप्लेन मोड जो हमारी फर्स्ट मेन्यू थी वहाँ पे व्यू ऑन TV, अगर आपको यहाँ से HDMI पोर्ट से अगर आपको अपने कैमरे को TV से कनेक्ट करना है तो आप यहाँ से कर सकते हैं। इसमें दिया हुआ है एक ही अपना चार्जिंग का, एक HDMI है और एक ऑडियो आउटपुट है इसमें कैमरे में। और एरोप्लेन मोड वाईफाई सेटिंग यहाँ से है, BFS पुश एक्सेस पॉइंट पोर्ट और ये सब आप यहाँ से सेट कर सकते हो।
ठीक है, ये ज़्यादा काम नहीं आता है, बस आपको सेंड टू स्मार्टफोन पे हो सकता है काम आए, सेंड टू कंप्यूटर पे आ सकता है, टीवी का काम आ सकता है, और एरोप्लेन मोड का कहीं ज़रूरत नहीं पड़ता क्योंकि आप नेट से कनेक्ट नहीं करते हो अपने कैमरे को। और यहाँ हमारा जो है प्लेबैक, ये सब मोस्टली ये सब हम यूज़ नहीं करते हैं, पर इसमें दी हुई है सेटिंग, आप इनको जब आप थोड़ा प्रोफेशनल हो जाओगे कैमरे में तब आप इन सेटिंग्स को ज़रूर समझ लेना। अब हम आते हैं अपने पांचवें ऑप्शन पे, जो कि यहाँ पे एक बैग जैसा ऑप्शन मिला है, तो इसमें सबसे पहला बनता है मॉनिटर ब्राइटनेस का। तो यहाँ से आप नीचे आ सकते हो, यहाँ से आप मॉनिटर की ब्राइटनेस को कंट्रोल कर सकते हो। ठीक है, इसको मैं अगर इंडोर शूट है तो मैं कम रखता हूँ, बाहर जाता हूँ तो ज़्यादा कर लेता हूँ। व्यू फाइंडर ब्राइटनेस को आप जब व्यू फाइंडर में यहाँ पर देखोगे तो आपको यहाँ पर साफ साफ दिखेगा। ठीक है, जैसे देख सकते हो आप, ठीक है, व्यू फाइंडर के अंदर यहाँ आपकी ब्राइटनेस आप बढ़ा सकते हो। मैं तो उस कम ही रखता हूँ क्योंकि अगर आप आँख लगाओगे तो आपको इतनी ब्राइटनेस की ज़रूरत नहीं है। फाइंडर टेम्परेचर जो है वो आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हो, यानी अगर आपको थोड़ा पीला पीला चाहिए व्यू फाइंडर के अंदर तो आप इसके अंदर देख के यहाँ से इसको कंट्रोल कर सकते हो। ठीक है, कलर टेम्परेचर, वॉल्यूम सेटिंग, आप इसके अंदर एक इनबिल्ट छोटा सा स्पीकर है तो आप उसकी कंट्रोल कर सकते हो। टाइल मेन्यू आपको ऑफ रखनी है, मोड डायल गाइड तो आपको ऑन रखनी पड़ेगी। ओके, यहाँ से सेकंड पे जाओ तो आपको डिलीट कंफर्म, यहाँ पे डिलीट जब होगा तो आपको इसको पहले सेलेक्ट कर लेना है, कैंसिल फर्स्ट, यानी अगर आप कोई भी फोटो डिलीट करते हो तो आपको एक बार पूछेगा, वो लास्ट वार्निंग देगा कैंसिल, मतलब डिलीट करिए। इससे ये होगा कि अगर आपने कोई फ़ोटो खींची, अगर आपने डायरेक्ट डिलीट कर दिया तो आपकी जैसे आप डिलीट पे क्लिक करोगे आजकल फ़ोटो चली जाएगी और आपकी फ़ोटो गायब हो जाएगी, इसलिए आपको कन्फर्म मैसेज आ जाएगा, ये आप कर लेना ध्यान से, कैंसिल फर्स्ट। ओके, डिस्प्ले जो क्वालिटी है उसको आप स्टैंडर्ड रखिएगा, अगर आप नॉर्मल शूट कर रहे हैं, वीडियो अगर आप शूट कर रहे हैं तो इसको हाई कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि जितना हाई जाएंगे आप उतना पावर कंजप्शन ज़्यादा होगा। ऑटो पावर ऑफ टेम्परेचर को आप स्टैंडर्ड रखिए, अगर आपको लग रहा है कि यहाँ गर्मियों के टाइम आपको शूट करना है तो आप इसको हाई कर दीजिएगा। ओके, पावर सेव स्टार्ट, यानी जब आप कोई भी यूज़ नहीं कर रहे होगे कैमरा तो कितने टाइम बाद कैमरा ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाए, ये इसका है। तो एक मिनट आप सेट कर दीजिए, आप अपने हिसाब से यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं 10 सेकंड। 10 सेकंड बहुत ही कम हो जाएगा क्योंकि फ़ोटो चेंज या अगर आप वेडिंग शूट कर रहे हैं तो हाँ इतना टाइम तो लगता ही है, एक मिनट कर लीजिएगा। ऑटो पावर ऑफ टेम्परेचर ऑफ टेम्प स्टैंडर्ड NTSL एंड पल्स सेलेक्टर, यहाँ से आपको इसको इससे मतलब नहीं है। ओके, क्लीनिंग मोड, ये होता है जब सेंसर को क्लीन करना हो, तो ये आप हर 2 या 3 महीने में एक बार इस्तेमाल करके देख लीजिएगा। और यहाँ से ऐड आइटम है, ये सब जो है एक मेन्यू की सेटिंग है। तो बस इतना था यहाँ का इसका मेन्यू का सेटिंग। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि हम बकवास नहीं करते, सीधा सीधा काम की बात है। चलते मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।